चला भाई चाय। वेरी गुड, सो है, सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत सारी मूवीज में आपने भी देखा है, प्लीज तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर बैनर्जी। जय बैनर्जी। खूबसूरत चेहरे देखें, थैंक यू सो मच। और गो सेलेब के लिए चिराग भाई, आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये लेके आए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत बहुत ही एक तरीके से एक नया चेंज करेगा हमारी इंडस्ट्री में, कि जिस तरीके की जो एक्सेस जो आर्टिस्ट के साथ में होनी चाहिए जो नहीं हो रही थी काफ़ी दिनों से हमारी इंडस्ट्री में, तो मुझे लगता है कि एक नए तरीके का चेंज लेके आएगा और जिससे सबको काफ़ी फायदा होगा। बाकी बातें बाद में, ऑलराइट, थैंक यू। मिस्टर विनोद ठाकरे जो हमारे आइडिया पैराडाइज के ग्रुप सीईओ हैं, सेकंड हमारे ग्रोथ सेलेब के सीईओ मिस्टर मनीष नायर, एंड हमारे क्रिएटिव हेड मिस्टर खालिद खान। खालिद भाई कहाँ हैं, बुला उनको। वैसे तो हमारी टीम बहुत बड़ी है, खालिद भाई आ जाइए, और कुछ सेलेब आ रहे हैं क्योंकि रेडी हो रहे हैं तो सब आ रहे हैं। और रात को सारे जो एक्टर्स हैं सरसाना जाने वाले हैं, वहाँ पे सारे एक्टर्स आपको मिलेंगे, और कुछ ही मिनटों में बाकी जो हमारे एक्ट्रेस हैं पूजा चोपड़ा शायद वो आ चुकी हैं, वो बाहर हैं, और अंजना सुखानी और ऐश्वर्या सपूजा एंड चंकी पांडे वो भी हमें ज्वाइन करेंगे हमें 5 मिनट में। मीडिया से रिक्वेस्ट है कि खाली गो सेलेब के बारे में सवाल करें यहाँ पे, क्योंकि अभी मीटू का बहुत कुछ चल रहा है, तो आर्टिस्टों ने पहले ही बोला है कि मीटू छोड़ के बाकी सब बात कर सकते हैं, और क्योंकि मीटू पे जाएंगे तो बहुत लंबा कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है गो सेलेब का, जहाँ पे आप किसी भी एक्टर को अपने इवेंट के लिए इनवाइट कर सकते हैं, और हमारे दो आर्टिस्ट और आ जाएं तब हम लोगों अनवील करेंगे, और साथ ही बहुत सारे जो स्टाफ से रिक्वेस्ट है वो आ गया है। मुंबई का रुख करते हैं फिर एक झलक पाने के लिए, और आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया
पहले और पहला सवाल, दूसरा ये इतने सारे लोगों को ऑन बोर्ड लाना वाकई में बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा. यू नो आई कैन सी रिमी, आई कैन सी मंजरी, एंड आई लव, यू नो आई एम सो हैप्पी टू सी सो मेनी फीमेल्स ऑन द सेम स्टेज. वो शेयरिंग आई वुड से इक्वल इक्वल नंबर टू द मैन फीमेल सिटिंग हियर. यस यस. सो हाउ डिफिकल्ट इट वाज, इजी, कितना आसान या मुश्किल था इन लोगों को लेके आना, अगर आप कुछ और डिटेल में बता सकते इस बारे में. इसके लिए एक ही सवाल है और एक ही जवाब है. 18 साल में मैंने ट्रस्ट कमाया है इंडस्ट्रीज में, बहुत कम लोग कमाते हैं. तो एक सोच लाना गौचालक के लिए, गौचालक जैसा, अगर ट्रस्ट नहीं कमाया होता तो ये यहाँ आज 23 आर्टिस्ट हैं और टोटल पे 300 लोग हैं. मैंने कभी इंडस्ट्रीज में कोई भी आर्टिस्ट से कभी कमीशन नहीं खाया है, कभी भी मैं खाचा नहीं रखता हूँ. जो इंडस्ट्रीज की जो एक चीफ लैंग्वेज में बात करूँ, और जो भी काम करता हूँ मैं इंडस्ट्रीज में वो दिल से करता हूँ. और एक आर्टिस्ट इसलिए रिस्पेक्ट देता है कि उसके साथ जब आप प्योरली डील करें. अगर हम इसमें से मैं 2-4 लोगों के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, लेकिन उनको भी आज यहाँ आए हैं, हम मिले भी नहीं हैं, लेकिन एक ट्रस्ट फैक्टर था उसकी वजह से यहाँ पे आए हैं. जो हम बोलते हैं और जो उनकी डिमांड होती है वो हम पूरी करते हैं. तो जहाँ ट्रस्ट है वहाँ पे आर्टिस्ट कोई भी बॉलीवुड का हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो आर्टिस्ट आपके साथ काम करेगा. और उसी वजह से वो चैनल जैसा कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया. और एक मेरा रैपो था, मैं काफ़ी मतलब 1500 से ज़्यादा इवेंट ऐसे कर चुका हूँ. और आपको बताने के लिए बता दूँ कि मैं एक साथ में इंडिया में, तो मेरा नाम है कि एक साथ में मैंने मुंबई से लेके गांधीधाम तक एक ही साल में 10 दिन का मैनेजमेंट, 200 से ज़्यादा सेलिब्रिटी और 78 से पंडाल ज़्यादा मैंने मैनेज किए थे. तो सेलिब्रिटी के साथ तो मेरा नाता जुता रहता ही है, क्योंकि उनके साथ काम करना है. इवेंट, फिल्म, सीरियल सब कुछ हमारी कंपनी करती है और लोगों का ट्रस्ट है, तो उसकी वजह से वो सहयोग है. पूजा, आपसे जानना चाहूँगा, बल्कि आप तीनों से जानना चाहूँगा, क्या ऐसा खास लगा जो मोमेंट, यू नो, द पीपल ऑफ दिस इंटायर इनिशिएटिव और द कॉन्सेप्ट अप्रोच यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? रिमी, क्या रिएक्शन था आपका, मंजरी, आपका, पूजा, कि इस तरह से कुछ, क्योंकि ये यूनिक है. हमने भी ऐसा कुछ सुना नहीं है कि आप एक तो अपने मनपसंद फिल्म सितारे से मिल सकते हैं और उसको पे करने के लिए उसको किस्तों में पैसे देते रहिए, मिल लीजिए, ख्वाब पूरा कर लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब चिराग जी मेरे घर पे आए थे और ये कॉन्सेप्ट मुझे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तब उन्होंने कुछ ऐसे लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया था. क्या है मैडम, देखिए प्रोडक्ट है ना मार्केट में, तो मार्केट में प्रोडक्ट होता है, हमने आर्टिस्ट को प्रोडक्ट बना दिया था. और उसके नीचे ये हमारे ऑप्शंस, कैशबैक ऑप्शंस सब है. तो मेरे 2 सेकंड के लिए सोच रही थी, अच्छा है, सभी पॉसिबल है इंसान के लिए भी कैशबैक ऑप्शन, मतलब. लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा, क्यों नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बेटर है. क्योंकि हम लोग जब शॉपिंग करते थे पहले, हम लोग कहाँ कहाँ जाके ढूंढ ढूंढ के, कोई पर्टिकुलर सामान है तो ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे उस शॉप में जाओ, कौन सा, क्योंकि हर चीज़ ज़ारा वारा ऐसा डिपार्टमेंट ऐसा स्टोर में नहीं बनता है. कुछ कुछ चीज़ें जब रिक्वायरमेंट होता है बैंड्रा के लोकल मार्केट में, अंधेरी के लोकल मार्केट में जाना पड़ता है ढूंढने के लिए. तो अभी लाइफ इतना ईजी हो गया है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट आने के बाद कि एक फिंगर में आपका सब कुछ अवेलेबल है, फिंगर टिप में. तो आई थिंक अगर इवेंट के लिए आर्टिस्ट के साथ भी ऐसा कुछ प्लान किया जाए तो आई थिंक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. क्योंकि इसमें सबसे पहले परेशानियां बचेगा लोगों का, बीच में जितने भी लोगों का ईगो हैसल्स होता है वो नहीं है. क्योंकि जब 10 आदमी एक इवेंट पे काम करते हैं तब ईगो हैसल्स बहुत होता है, किसी को ये पसंद नहीं आया, किसी को वो चीज़ पसंद नहीं आया. तो फाइनली क्या होता है, किसी को अपना आर्टिस्ट को डालना है, किसी को उनका जो पर्सनल रैपो है जिस आर्टिस्ट के साथ उनको डालना है. तो ये हमारे लिए भी लॉस था और उनके लिए भी लॉस है. फाइनली कभी इवेंट होता नहीं था, कभी आर्टिस्ट कैंसिल हो जाते थे, पेमेंट टाइम पे नहीं पहुंचता था. तो बहुत चीज़ें हैं जो अभी सिंप्लीफाइड वर्जन पे आप सबके सामने आ जाएगा, हमारे साथ सामने भी आ जाएगा. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट. मेरे पास तो एक लंबी लिस्ट है. द थिंग इज फॉर मी टू गेट कन्विंस्ड इज नॉट एन ईजी टास्क. हू हैज वर्क विद मी विल नो दैट कि पूजा को कन्विंस करना इतना ईजी नहीं है. इनके पास एक नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी विच डेफिनेटली ड्रो माई अटेंशन. वन, इनका बैकेंड जो है विच इज़ रियली स्ट्रॉन्ग. टू, एट द क्लिक ऑफ अ बटन, अब जो छोटे शहरों में होते हैं
फॉर इंस्टेंस रायपुर से जो लोग होते हैं दे वॉन्ट टू कॉल अ सेलेब्रिटी फॉर एन इवेंट दे डोंट नो हाउ टू गेट देयर बट गो सेलेब क्लिक डन अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी वेरीफाइड द बेस्ट थिंग इज जो लोग आते हैं वो पूरे वेरीफाइड होंगे सो दैट्स अगेन द बेस्ट थिंग सेकेंड थिंग इज आई डोंट हैव टू लेट गो ऑफ माई एजेंसी मैं एक एजेंसी के काम के साथ काम करती हूँ वट गो सेलेब इज डन इज जो मार्केट होता है उनको एक्सपैंड कर दिया है कि अभी अगर आप शादी का इवेंट है एंड यू डोंट वांट एनी मिडिल मैन यू कैन जस्ट गो टू होसलर यू डोंट नीड एनी मिडिल मैन इन द मिडिल इट्स डायरेक्ट सो देयर इज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ड्रीम्स आर टर्न्ड इनटू रियलिटी बिकॉज़ नाउ यू कैन सी योर स्टार्स यू कैन मीट देम व्हिच इज ग्रेट आई नो व्हेन ड्रीम्स कम ट्रू हाउ ब्यूटीफुल इट इज सो दैट इज टू द थर्ड वन इज दैट चैरिटेबल कॉज which is the icing on the cake I said transparent hai backend strong hai charitable cause mein believe karte hai logo ke sapne saakar karte hai I have to be a part of this so go sala I think Rini aur Pooja ne almost all points cover kar diye hain main bhi yehi kehna chahungi that mujhe jo bahut pasand aayi ki baat unki ek to ye thi ki transparency hai And it's a beautiful bridge between fans and their favorite stars and their talent or whatever. And as she said, the whole charitable cause was something very interesting to me. Like उन्होंने मुझे समझाया था कि जैसे you know so many times you know you wear certain clothes and आप उनको repeat नहीं कर सकते हैं बहुत बार. So instead of just giving it away or you know not using it again and they staying in your cupboard, आप उनको वो सिलेब को दे सकते हैं जो उनको auction करेंगे. और जो भी पैसा आएगा वो जाएगा एक एनजीओ में एंड यू नो इट विल हेल्प द राइट पीपल फॉर द राइट कॉज सो मुझे ये बात बहुत पसंद आई थी वो सिलेब की न्यू आर्टिस्ट को कैसे वेरीफाई किया जाएगा वो सिलेब न्यू आर्टिस्ट जो रहेगा उसको वो सिलेब कैसे वेरीफाई करेगा उसके लिए एक प्रोसेस है जो न्यू आर्टिस्ट है कभी ना कभी हमारा भी पहला दिन था हम भी वो दिन भी गुजरे हैं उस दिन से तो हम हमारे लिए उसको रेक्टिफाई करने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है अगर कोई आर्टिस्ट हमारे वहाँ पर रजिस्टर होता है तो आने वाला नहीं और वो जगह ये सब हम जितना सेलिब्रिटी का केयर करेंगे उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइजर का करेंगे क्योंकि वो जिंदा है तो वो जगह जिंदा है और आर्टिस्ट जिंदा है चाहे ऑर्गेनाइज हमारा नेक्स्ट वर्टिकल जो है कास्टिंग पे आ रहा है बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है और पहली कास्टिंग एजेंसी ऐसी होगी जिसने इतना सारा पब्लिसिटी मार्केट जो मार्केटिंग बजट रखा है वो अभी पहली कास्टिंग एजेंसी होगी कि इतना सारा मार्केटिंग हमारा हिमांशु भाई सब जानते हैं कैसे हमने वर्किंग किया तो खुद सारे मेरे 15 साल पुराने फ्रेंड है वो खुद सोच रहे थे कि भाई ये हम क्या कर रहे हैं जो कर रहे हैं प्रोडक्ट की तरह अगर इसको वैल्यू बना देंगे सबके लिए ईजी हो जाएगा आपके लिए मतलब एक एंड यूजर के लिए और एक जो वर्कर है उनके लिए उसके बाद हमारे 7 वर्टिकल है तो वन बाय वन हर महीने कुछ ना कुछ गोशाला लेके आएगा और आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट जो भी कंप्यूटर के एक फिंगर टिप पे आ गया है पूरा लाइफ सबका आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का इतना डिमांड है कि लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके शॉपिंग करना भूल गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफदायक काम होता है ट्रैफिक में जाओ गाड़ी पार्क करो फिर आप वॉक करके जाओ फिर सामान चेक करो घर बैठे बैठे आप ये जो वेबसाइट्स है फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन ये लाइफ इतना ईजी कर दिया है कि आई थिंक आर्टिस्ट के साथ भी ऐसा कुछ अगर हो तो फिर वो सबके लिए फ़ायदा भी होगा और बहुत ज़्यादा ईजी भी हो जाएगा तो आई थिंक वो सिलेब का जो ये दिमाग से निकला है कॉन्सेप्ट आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट इसमें जितने भी मिडिल मैन थे उनके तरफ से जो कॉम्प्लिकेशंस और कन्फ्यूजन्स जो क्रिएट होता था आई थिंक वो दूर हो जाएगा ऑर्गेनाइजर्स के साथ आर्टिस्ट का एक डायरेक्ट अप्रोच हो जाएगा और जैसे चिराग जी ने कहा है 5 रुपये का चीज़ 15 रुपया हो जाता है वो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते करते आई थिंक वो 5 से 6 रुपया होगा लेकिन 15 रुपया नहीं होगा तो आई थिंक विन विन सिचुएशन है सबके लिए सबका फ़ायदा है सबका प्रॉफिट है और इसमें काफ़ी सारे लोग आपके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं तो आई थिंक बहुत अच्छा बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से इस समय माहौल बना है मी टू को लेकर एक ही लाइन में जी एक ही लाइन मी टू को लेकर तो जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं जो स्ट्रगल कर रही है उनके लिए कैंपेनिंग कितना मायने रखता है आई थिंक मैंने बॉम्बे टाइम्स को ऑलरेडी मेरा पहला इंटरव्यू दिया था जब तनुश्री का ये जो कंप्लेन आया था नाना पाटेकर जी के साथ अगेंस्ट में कि मी टू मूवमेंट रोल
मैम क्या कहना चाहेंगे गो सेलेब्स के कॉन्सेप्ट के बारे में, मतलब काफ़ी इजी हो गया जो कॉमन पर्सन है जो कनेक्ट करना चाहते हैं सेलिब्रिटी से, कितना एंटरटेनिंग है, कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है? बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज गो सेलेब जो ये लेके आए हैं इट्स अ ब्यूटिफुल ब्रिज बिटवीन फैंस एंड देयर फेवरेट स्टार्स एंड सेलेब्स और यू नो लोगों के बीच में जो ब्रिज द ब्रिज कट्स द गैप बिटवीन देम एंड इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट वे एंड आपको मिडिल मैन के थ्रू नहीं गुजरना पड़ेगा एंड एंड और भी उनका बहुत उनके साइट में बहुत सारी चीज़ें होंगी लाइक यू नो देयर द ऑक्शंस ऑफ थिंग्स विच सेलिब्रिटीज हैव ओन्ड और वो जो भी पैसा आएगा आपको ऑक्शन के थ्रू वो जाएगा एक एनजीओ के लिए जो भी यू नो वट एवर दे हैव टाइड अप विद सो दैट विल आल्सो बी फॉर अ गुड कॉज सो या ऑल्दो सेलिब्स आर यू नो दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट द B2 कैंपेन आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये कैंपेन के बारे में सपोर्ट करती है करती तो रीजन क्या है और कितना ज्यादा आपको रियल या फेक नजर आ रही है ये चीज आई फील इट इज वेरी ब्रेव ऑफ द गर्ल्स टू फाइनली कम आउट विद दिस होल थिंग विद देयर ओन ट्रू स्टोरीज एंड यस आई डू बिलीव देम एंड बट मैं ये भी कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि सब लोग बुरे हैं इंडस्ट्री में हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली बिकॉज यू नो इट शुडंट लुक एज इफ एवरीबडी इज़ बैड बहुत अच्छे लोग भी हैं आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस आया है आई हैव हैड माई अनकम्फर्टेबल मोमेंट्स ऑल्सो बट मैंने उसको अच्छे से हैंडल किया है और अपने आप को सेफ भी रखा है सो बॉल इज ऑलवेज इन योर कोर्ट यू कैन कीप योर सेल्फ सेफ इफ यू वॉन्ट आई एम राइट नाउ वर्किंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिएट्रिकल प्रोडक्शन इट इज इट्स अ म्यूजिकल कॉल्ड देवदास एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड वो अभी 16th नवंबर को इट्स ओपनिंग सो बेसिकली आई वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट इन 2012 एंड देन एशियाज गॉट टैलेंट तो ऑफकोर्स मैं एक आर्टिस्ट रहा हूँ तो मुझे पता है कि एक आर्टिस्ट के किस चीज़ों के थ्रू उसको गुजरना पड़ता है और जब चिराग भाई ये कॉन्सेप्ट लेके आए मेरे सामने तो ऑफकोर्स मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को कनेक्ट कर पाया इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज स्पेशली फॉर टैलेंट लाइक आस यू नो सेलिब्रिटीज एंड टीवी टारगेट क्वाइट ईजी है फॉर टैलेंट लाइक आस कि अगर एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस जा सकता है बिकॉज आपको एक एक परफॉर्मेंस में देख के पीपल कॉल यू फॉर देयर डिफरेंट परफॉर्मेंसेज फॉर देयर डिफरेंट फंक्शंस सो हमारे लिए ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एक एक अपॉर्चुनिटी को मिस करना किसी दूसरे की गलती की वजह से इट इज़ आर लॉस और आई गेस गो सेलेब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये लॉस को मिनिमम कर देगा और यू नो हमारे लिए वो मार्केट बहुत ज्यादा ओपन हो जाएगा तो आपने काफी सारे इवेंट्स किए होंगे लाइव परफॉर्मेंस किए होंगे तो कभी कोई ऐसा अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस जो हुआ वो बताएगी बुरा और अच्छे से ज्यादा एक ऐसे होता है ना एक छोटी सी कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ फॉर एग्जांपल टैलेंट लाइक अस जो हम जब जैसे आपने अभी देखा कि हमने गो सेलेब का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया और उसके लिए परफॉर्म किया तो वैसे ही हम हर एक कंपनी के लिए हर एक ब्रांड के लिए कुछ ना कुछ कस्टमाइज कर दे वो परफॉर्म कर दे और अब उसके बाद हमारा एक एक एस्पेक्ट होता है कि यू नो यू शुड गो देयर एंड यू शुड टॉक टू योर क्लाइंट दैट हाउ दे फेल्ट बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिडिल मैन एंड यू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर हियर एंड देयर आप एक कॉस्ट देते हो और उसके ऊपर प्लस ऑन होकर फिर वो सब चीज़ होती है और वो बाहर ना निकले इसके लिए क्लाइंट नेवर वॉन्ट्स यू टू कनेक्ट विद योर क्लाइंट यू नो सो द एजेंसी ऑलवेज इन बिटवीन यू टू यू नो टू स्टॉप यू और टू नॉट टू गो टू द क्लाइंट और ये चीज़ थोड़ी सी आपको अनसेटिस्फाई कर देती है इट मेक्स यू आपको वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलता और गो सेलेब इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन सो यू रियली नीड टू बी वरीड अबाउट एनी एजेंसीज रोल मैम क्या कहना चाहेंगे इसको कॉन्सेप्ट के बारे में गो सेलेब्स का कितना आसान हो गया है जो कॉमन मैन होते हैं सेलेब्स से कनेक्ट करना और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड इस कॉन्सेप्ट को लेकर यू नो जब ऑनेस्टली हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी उनके जो कॉन्सेप्ट्स थे लाइक ऑक्शंस लाइक कैश बैक्स मैं दो मिनट के लिए यू नो आई वाज शॉक्ड आई वाज लाइक कि मैं क्या बोलूँ लेकिन आर यू सीरियस इन कि यस क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत यूनिक है एंड यू नो वेरी ट्रस्टवर्दी द टीम इज़ वेरी वंडरफुल हार्ड वर्किंग एंड ऐसे मतलब एक पर्सन भी ऐसे नहीं हुआ कि ओ माय गॉड ये वर्कआउट करेगा नहीं करेगा बिकॉज उन्होंने इतना ट्रस्ट डाला ना कि यू नो इमीडिएटली लाइक एक्टर्स लाइक मी हमने ऐसे नहीं कि ओके फाइन डन
दिस इज़ नाइस बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है. You have some fan moment, you know, you want somebody, for example, Bachchan, Aamir, Shah Rukh, you want to go select, if at all they are available, you want to be a part of it. Of course. Actually, honestly, मैं बहुत social media में बहुत कम active हूँ. तो for me, this was like, okay, I need that push, you know, and Go Celeb is really pushing me. और like right now, आज ये event है, आज फिर दांडिया के event है, you know, they are really helping out us, as well as fans also, to connect with us. So it's wonderful, you know. And what about the projects you are working in? What project you are working on? Yes. Abhi 2-3 mahine ke liye mera break hai. But really, future mein hai 2-3 projects. I'll let you know. Hopefully, jaldi ho jayega. सबसे पहले तो मैं अपना गो सेलेब के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ कि यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया. तुम जैसे गो सेलेब का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों. एक्चुअली दिस इज़ मी राजीव राजा और मैं शिमला से हूँ. तो मुझे एकदम पता नहीं था कि ये क्या चल रहा है और मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था इस ऑल मोमेंट से. तो यहाँ आके पता चला कि इतना बड़ा इवेंट गो सेलेब कर रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत थैंक्स करता हूँ गो सेलेब का. और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ख़ासकर सेलिब्रिटीज़ के लिए और हमारे लिए भी जो सेलिब्रिटीज़ बन रहे हैं अभी. तो थैंक यू मच फॉर गो सेलेब. आई थिंक बहुत आसान हो जाएगा अगर फिंगर टिप्स पे आपका आपकी सेलिब्रिटीज अवेलेबल है, उनके रेट्स और उनके जो भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है और कौन हैंडल करेगा, सब कुछ क्लियर है, प्रॉपर वेरीफाइड है. तो आई थिंक इट विल बिकम वेरी ईजी. ताम झाम सब निकल जाएगा, कॉम्प्लिकेशन फिर ईगो हैसल सब निकल जाएगा लोगों के बीच में. और आई थिंक सेलिब्रिटीज़ को भी बहुत काम मिलेगा, ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत आर्टिस्ट मिलेंगे, वो भी कम रेट में और एकदम अच्छा अच्छा रेट में. तो आई थिंक सबके लिए ईजी हो जाएगा. तो मैं एक साथ चार लोगों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती हूँ. सो माई मेन मोटिव टू रजिस्टर विद गो सेलेब बॉस कि मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ मेरे लिए वही करेंगे. सो आई वॉज रियली हैप्पी टू हियर दिस एंड चिराग जी ऑफकोर्स, इट्स बिकॉज ऑफ हिम दैट ऑल ऑफ अस आर हियर एंड इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्टर्स. और ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे सारे जो फैंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो फैंस नहीं भी हैं, उन सब के लिए. वो एक्चुअली मेरा फैन मोमेंट अभी मैंने मिस्टर बच्चन के साथ ऐड किया है. तो मेरा जो फैन मोमेंट था वो मिस्टर बच्चन के साथ था जब मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर की थी, उनके साथ शूट किया था. सो दैट इज माई फैन मोमेंट. इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट जो आज तक पता नहीं किसी ने क्यों नहीं सोचा है. सो चिराग जी, गो सेलेब, दे हैव थॉट अबाउट इट और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, क्योंकि ऐसा कभी कुछ आया नहीं है. और जब वो आया है आई एम श्योर कि हम सब उसका भरपूर फ़ायदा उठाने वाले हैं. थैंक यू सो मच. गो सेलेब इज़ अ वेरी ईजी प्लेटफॉर्म फॉर एक्टर्स एक्चुअली, बिकॉज बेसिकली पहले क्या हो रहा था कि जो बीच का जो मीडिएटरशिप होती थी यहाँ से काम खराब होता था. तो गो सेलेब के हिसाब से क्या होगा कि जो सही लोग हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर किसी किस्म का कहीं मिसयूज़ नहीं हो सकता, चाहे आर्टिस्ट के साथ हो, चाहे वो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के साथ हो. तो इन दैट वे एक जो बीच का ब्रिज है वो सही तरीके से कनेक्ट हो पाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एस्टैब्लिश एक्टर्स एट द सेम टाइम द न्यू कमर्स. एंड व्हाट यू वुड से कि ये मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट कितना मार्केट में पड़ता सक्सेसफुल होगा या पहले से ये होना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी समय से इवेंट्स का काम. तो मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी पहले आ जानी चाहिए थी. और ऑफकोर्स हर नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है एकदम से, हो सकता है लोग उसको पहले समझ ना पाएँ. बट एज एन एक्टर जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ सकता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ईजी चीज़ है और आई थिंक इट कैन चेंज द इंडस्ट्री इन अ वे. सो देर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल
डिपेंड करता है लोग उसको कैसे परसीव करते हैं. एंड व्हाट अबाउट योर प्रोजेक्ट्स वर्किंग राइट नाउ? आई जस्ट वॉन अ बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर माई फिल्म पेज 16 लास्ट मंथ. सो इट वॉज रिलीज इन ऑगस्ट. नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट. सो होपफुली नेक्स्ट ईयर माई फिल्म शुड स्टार्ट वर्किंग. सर मुबारकबाद चाहूँगा आपको. कॉन्सेप्ट ये बताएं कब इंस्पायर्ड हुए आप, कहाँ थे आइडिया और क्या करना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर? सर ये लंबी कहानी है. जैसे मैंने बताया 2013 में मैंने 78 इवेंट वर्कआउट किए थे. उसमें मैं और आर्टिस्ट दोनों परेशान हो गए थे. फिर वहाँ से मैंने सोच लिया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए कि जिससे लोगों का और हम का सबका भला हो और एक फिंगर पे आ जाए. तो मेरा 7 साल से एक कंसेप्ट पे वर्क चल रहा था. बहुत लंबी कहानी है तो मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इसके साथ US की टीम वर्क कर रही है. हम ये पूरा जो पोर्टल है वो US बेस्ड कंपनी है जो पुणे में भी ऑपरेटिंग कर रही है. उन लोगों ने बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है. हर चीज़ अवेलेबल है उस पर. मतलब अभी तो हमने सिर्फ गो सेलब आर्टिस्ट बुकिंग आपको बताया. गो सेलब ऑप्शन है, गो सेलब क्लब है, गो सेलब प्रो है, गो सेलब हायर है, गो सेलब लाइव है. इतने सारे वर्टिकल हैं तो आर्टिस्ट को कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा. गो सेलब से इतना वर्क नहीं है. तो अभी आपने से पता कि 300 आर्टिस्ट रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, तो उसमें से नोन आर्टिस्ट कितने हैं? और कोई ऐसा नहीं है कि एक भी अपकमिंग मुश्किल से 10 आर्टिस्ट होंगे. टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ के करीबन 240 समथिंग आर्टिस्ट हैं. अब जैसे अंकुश है, जैसे असीम अली है, जैसे हसन अली है, ये रिश्ता की टीम में से काफ़ी लोग हैं, पुराने टीम में से काफ़ी. मतलब आर्टिस्टों का हमारे वहाँ पे आते हैं और जब हम कंसेप्ट बनाते बताते हैं आधा घंटा में वो रेडी हो जाते हैं. जो मैंने आज तक मेरा इतना काम करने के बाद कभी भी आर्टिस्ट फर्स्ट मीटिंग में रेडी नहीं होता कंसेप्ट को सुन के. तो मार्केट में कंपटीशन भी बहुत है. आपका कंपटीटर कौन है फिलहाल मार्केट में? फिलहाल तो मैं लाइफ में जब भी काम किया है, और हिमांशु भी उसके लिए जानकार है, कि मैं कभी कॉम्पिटिशन में जुड़ा नहीं हूँ और मैं कॉम्पिटिशन में बिलीव नहीं करता. मैं यूनिकनेस में बिलीव करता हूँ. मैं जो भी आज काम कर रहा है आज तक वो यूनिक ही होगा. उसका मेन साक्षी हमारे हिमांशु भाई हैं. सर ये क्या करना चाहेंगे, इस ब्रांड को कैसे सर्विस करने वाले हैं मार्केट में आप, ऐसा पीआर क्या प्लानिंग करने वाले हैं? स्ट्रैटेजी हो गया, स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हमने कि किसी को भी अगर कोई भी एक्टर चाहिए तो गो सेलब पे पोर्टल पे जाके ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालेगा, उन्हें कॉस्ट मिल जाएगा. और अगर वो आज उनके पास उतने पैसे कम हैं तो EMI पे भी वो आर्टिस्ट को बुक कर सकते हैं. वो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है उसमें कि आपके पास ऑप्शन है कि अगर एक महीने नहीं या 6 महीने में आप पेमेंट करना चाहें, फिर भी वो आर्टिस्ट जो अगर आपने सपने में सोचा था कि वो आर्टिस्ट हमारे पास आए, हमारे इवेंट में आए, हमारे बर्थडे फंक्शन में आए, हमारी शादी में आए, तो वो सपना साकार होता हुआ दिखता है. और मैं गो सेलब के थ्रू नहीं, ऐसा तो हम दोनों के लिए ऐसा कोई नहीं है. हाँ वो जरूर है हम दोनों के लिए कि गो सेलब के थ्रू हम दोनों. सर सनी लियोनी है कि नहीं इसमें रजिस्टर्ड? मैं हमारे लिए आर्टिस्ट आर्टिस्ट है, लेकिन कुछ हमारा क्राइटेरिया है. वो क्राइटेरिया में अगर कोई सेट होगा वो फिर चाहे कोई भी हो उसको रजिस्टर हम जरूर करेंगे. क्राइटेरिया टीम जो है हमारी लीगल टीम के साथ, क्योंकि हम अक्रॉस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और गो सेलब की ऑफिस 7 कंट्रीज में है. तो हम उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखे सबको रजिस्टर करेंगे. जो क्राइटेरिया मेरी जो लीगल टीम है उसके डिपेंड है.